कितने बढ़िया हमारे छोले लग रहे हैं। यकीन मानिए, जो हल्दीराम पे छोले मिलते हैं, वही सेम टू सेम कलर, वही टेस्ट, एकदम। एक बार इस छोले को बनाकर देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसके साथ बनाएंगे हम कुरकुरे भटूरे। बहुत बढ़िया भटूरे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आवाज़ भी सुन लीजिए, एकदम करारी क्रिस्प कुरकुरे भटूरे बनकर तैयार हुए हैं। इसको छोले के संग इंजॉय करेंगे, तो इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे छोले भटूरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सभी के फेवरेट छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए लिए हमने 400 ग्राम छोले, और छोला हमने छोटे वाला लिया है। इसको हम रात भर के लिए भिगो देंगे, या फिर 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको भिगो दें। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको, तो गर्म पानी में 2 घंटे के लिए इसको भिगो दें, तब भी छोले बनकर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। अच्छे से हमें इसको रगड़ रगड़ के वॉश करना है, जिससे कि इसकी सारी जो पाउडर वगैरह गंदगी होती है सब निकल जाए। अब हम इसको छोलों को रात भर पूरे ट्रिपल पानी में इसको भिगो देंगे, 3 गुना पानी, यानी छोलों से हमें 3 गुना पानी लेना है। पूरे बाउल को हम भर देते हैं अच्छे से। अब इसको ढककर हम रख देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम छोले चेक करते हैं। देखिए छोले कितने बढ़िया, एकदम बड़ा बड़ा छोला फूल चुका है। मैं दिखाती हूँ छोला एकदम आसानी से किस तरीके से टूट रहा है। बहुत बढ़िया से छोला हमारा टूट कर तैयार हो रहा है। अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। आप चाहें तो इस पानी को चेंज भी कर सकते हैं, या इस पानी को अगर साफ़ सुथरा दिख रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी पानी समेत इसको कुकर में डाल दूंगी। अब देखिए पानी हमें कितना रखना है, जितना कि एक उंगली का पूरा होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी टोटल इसमें हमें 3 गिलास के करीब पानी आ गया है। अब हमें इसमें बहुत अच्छे कलर के लिए 1 गिलास पानी में चाय पत्ती उबालनी है। छोटी 1 चम्मच मैं इसमें चाय पत्ती डालूंगी। बहुत ज़्यादा चाय पत्ती हमें इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि एक अच्छा जो कलर लाना है आपको, हल्दीराम के जैसे छोले भटूरे होते हैं, उसका कलर लाने के लिए आपको बहुत ज़रा सी इसमें चाय पत्ती डालनी है। अब हम इसको कुकर में डायरेक्ट छन्नी से छानते हुए डाल देंगे। अच्छे से हमने इसको उबाल लिया था। अब कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया आया है चाय पत्ती का कलर। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप चाय पत्ती डालेंगे तो एकदम काले हो जाएंगे। हमें एकदम ना तो बहुत ज़्यादा पीले रखने हैं, ना बहुत ज़्यादा काले करने हैं, बहुत बढ़िया कलर करना है। अब देखिए इसमें 1 पोरे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पूरा टोटल हमने इसमें 3.5 गिलास पानी का यूज़ किया है। 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे। और बहुत ज़रा सी चुटकी भर हल्दी डाल दी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। हम इसमें कोई भी सोडे का यूज़ नहीं करेंगे, सोडे से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसमें हमें 4 सीटी लेनी है तेज गैस पर, और फिर गैस को हम कर देंगे एकदम स्लो, और पूरे आधे घंटे के लिए इसे पकने देंगे। इतने हमारे छोले उबल रहे हैं, हम भटूरे के लिए ढो तैयार कर लेते हैं। 1 सिंपल कप से मेजरमेंट कर रहे हैं। 2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी लेंगे, यानी 4 हिस्से मैदा के, 1 हिस्सा सूजी का। यानी 1 किलो मैदा है तो 250 ग्राम हमें सूजी डालनी है, यही मेजरमेंट करें। अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का ही हमें यूज़ करना है। छोटी 1 चम्मच के हिसाब से नाप है, 1 चम्मच हमने लेवल तक बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा हमें सिर्फ चुटकी भर डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। देख रहे हैं आप कितना सा है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ये मीठा सोडा नहीं डालना है, वरना भटूरे लाल हो जाएंगे। बहुत ज़रा सा नमक, यानी छोटी 1/2 चम्मच से भी कम हमने नमक डाला है, और बिल्कुल लेवल तक छोटी चम्मच से हमने चीनी डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें कोई ऑयल, कोई दही, कुछ नहीं डालना है, सिंपल इसे हमें। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें नॉर्मल डो तैयार करना है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा टाइट। अब आटा लगाते टाइम, मैदा का, जब भी हम आटा लगाते हैं भटूरे के लिए, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपको ये मैदा रात को ही लगाकर रखनी पड़ेगी, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे ज़रूर चाहिए खमीर उठाने के लिए। अब मैं ये भटूरे गर्मियों में बना रही हूँ, तो इसके लिए सिर्फ 1.5 या 2 घंटे बहुत है। इतने हमारे छोले उबलेंगे, छोले प्रिपेयर होंगे, 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो हम मैदा का ढो लगाकर तैयार करके रखेंगे। जब हम छोले जब हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे, तो मैदा भी हमारी रेडी हो जाएगी। इतनी गर्मी है, खमीर 2 घंटे में उठ जाएगा। आप इसको किसी गर्म जगह पे फ्रिज वगैरह के ऊपर रख दें 2 घंटे के लिए, देखना क्या बढ़िया हमारे भटूरे बनकर तैयार होंगे। ढो भी हमारा लग चुका है, इसके लिए सिर्फ हमारा 1/2 गिलास पानी लगा है। अब हम इसको एक बाउल में रख देंगे। इसको हमें बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है, ऐसे उंगलियां डाल डाल के, जिससे कि इसमें अच्छे से खमीर उठ जाए। इसको ढककर अब हम किसी भी गर्म जगह पर रख देते हैं। पूरा 1/2 घंटा हो चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसका प्रेशर अपने आप से ख़त्म हो गया, तब तक हम इसको नहीं खोलेंगे। 10-15 मिनट हो गए, प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है, अब इसको खोल लेते हैं।
देखिए छोले दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक बार इसको दबा के देखते हैं, क्योंकि हमने इसको गलाने के लिए कोई भी सोडा का यूज़ नहीं किया था, हमने इसको धीमी धीमी गैस पर पकने दिया था। बहुत अच्छे से छोला हमारा टूटकर दब रहा है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, एकदम अच्छे से छोले बनकर तैयार हो गए हैं, उबल गए हैं। अब इसको एक छन्नी लेंगे और एक बाउल में सारा पानी हम इसका निकाल देंगे, सारा पानी हमने निकाली, इस पानी को हमें बाद में यूज़ करेंगे, संभाल के रख लेंगे इस पानी को। अब छन्नी से हम छोले कुकर में वापस डाल देते हैं, पानी को ढककर रख देंगे। अब हमें इन छोले में मसाला ऐड करना है, सभी मसाले हम इस तरीके से छोले में कच्चे मिला लेंगे। चौथाई चम्मच हम काला नमक डालेंगे, एक बड़ी चम्मच के करीब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, ये सब छोटी चम्मच के नाप के हिसाब से है, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, नहीं तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच अनारदाना। अनारदाना ग्रॉसरी शॉप पर आसानी से मिल जाता है, इसको ज़रूर डालें, छोलों में इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। दो चम्मच मैं डाल रही हूँ भर के ऊपर तक, छोटी चम्मच चना मसाला, ये MDH का चना मसाला है, मुझे MDH के मसाले बहुत पसंद है, या फिर मैंने घर पे भी छोले मसाला बना रखा है, इसकी रेसिपी मीनूस किचन में मैंने शेयर कर रखी है, अभी फ़िलहाल मेरे पे अवेलेबल नहीं है तो मैं MDH का यूज़ कर रही हूँ। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च कलर के लिए। अब इन सभी सूखे मसालों को छोलों में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, कुछ छोले अपने आप दब जाएंगे, हमें हल्के हल्के हाथों से करना है, छोले इतने बढ़िया उबले हैं कि अपने आप ही हल्के हल्के टूट जाएंगे। इस तरीके से हम मसाले मिलाकर छोलों को रख देंगे, इसके बाद जब आप छोले बनाएंगे तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप कलर तो देख ही रहे हैं ना कितना बढ़िया है, चाय पत्ती जो हमने थोड़ी सी डाली थी, अब इसको हम उठाकर रख देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं छोंक की। अब हम छोंक के लिए कुछ खड़े मसाले लेंगे, 3-4 तेज़पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 3-4 दालचीनी छोटी छोटी, चौथाई चम्मच अजवायन, और थोड़ी सी चुटकी भर हींग, 2 काली मिर्च, 1 मोटी इलायची, 1 लंबा अदरक का टुकड़ा लेंगे, 5-6 हरी मिर्चें, 4-5 टमाटर और 3 प्याज लेंगे, और एक कढ़ाई में हमने इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालेंगे, 3 बड़े चम्मच हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का, ऑयल को गर्म होने देते हैं, इतने हम कट कर लेते हैं प्याज को। अब प्याज को हमें गोल गोल जिस तरीके से हम सलाद काटते हैं इस तरीके से हमें बारीक बारीक कट करना है। जब आप एक बार इस तरीके से छोले बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। प्याज कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप खाली टमाटर में भी बना सकते हैं। अब सभी जो गोल गोल प्याज है इसके लच्छों को हम निकाल लेंगे, खोल लेंगे प्याज को, अगर थोड़ी बहुत प्याज टूटती है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से गोल गोल हमने लच्छे इसके बना लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सभी खड़े मसाले हम डाल देंगे, खड़े मसाले एक बार ज़रूर डालें, कम जितने कम हो सके उतने डालें, अगर बाद में आपको पसंद ना हो तो इसको छोले बनने के बाद निकाल दें। इसको ज़रा सा हम भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज के लच्छे जो हमने बनाए थे। इस तरीके से छोले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, प्याज कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्याज को मीडियम फ्लेम पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे, क्रंची क्रंची प्याज रहनी चाहिए, हमें इसको बिल्कुल भी सुनहरा नहीं करना है। अब हम अदरक को लंबाई में कट कर लेंगे, अदरक को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है, इस तरीके से अदरक को लंबाई में कट करके छोले का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरक को हमने लंबाई में कट कर लिया है, अब हम इसमें अदरक को डाल लेते हैं। प्याज दिख रही है ना एकदम कच्ची कच्ची, तो हमें बहुत ज़्यादा से नहीं भूना है, इसलिए हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है। अब हम इसमें टमाटरों को भी गोल गोल सैलेड की तरह कट कर लेंगे,
इस तरीके से प्याज टमाटर अदरक हम बिना पीड़ी के डालते हैं तो छोले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से छोले बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगे। अब सभी टमाटरों को भी इसमें डाल लेंगे। टमाटर को हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है इसको, हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही भून लेंगे। इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा सा नमक, यानी छोटी आधी चम्मच। हमने उबलते टाइम 1 चम्मच नमक डाला था और थोड़ा सा हमने इसमें काला नमक डाल रखा है, तो उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चों को लंबाई में 2 कट करके डाल देंगे। हरी मिर्च ज़्यादा चटचटी ना हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें हरी मिर्च का निकल कर आता है। इस तरीके से अगर हम लंबाई में कट करके डालते हैं, आप हरी मिर्च लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर लें जैसे आप यूज़ करते हो। इस तरीके से छोले में जब हरी मिर्च डालते हैं उसका फ्लेवर भी कई गुना बढ़ जाता है। देखिए प्याज भी कच्ची कच्ची, टमाटर भी, हरी मिर्च भी और लहसुन अदरक। इस तरीके से सिर्फ इसको 2 मिनट हमने भूना है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मसाले में छोले और मसाले आपस में मिक्स किए थे, इसको डाल के अब हमें 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनना है। इससे जो इसका फ्लेवर होगा छोलों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से हम छोले मसाले के साथ प्याज टमाटर और सब चीज़ आपस में जब मिलती है इसका जो फ्लेवर निकल के आता है तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लगातार इसको चलाते जाएंगे, कुछ छोले पिस जाएंगे, कुछ छोले साबुत रहेंगे, इससे कई गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना कलर कैसे पलट रहा है, कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा जितने आपको बनाने उस हिसाब से कर सकते हैं। ये भटूरे के हिसाब से छोलों को थोड़ा गाढ़ा रखा जाता है, चावल के लिए छोलों को थोड़ा सा हमें पतला करना पड़ता है, तो पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये छोले मैं स्पेशली भटूरे के लिए बना रही हूँ और गैस का फ्लेम अब हमने कर लिया है तेज़, इसको अच्छे से भूनने के लिए ताकि अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें अच्छे से हमारा मसाला भुनने लगा है, बहुत बढ़िया से भुन चुका है। पानी अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करते हैं जो हमने छोले का पानी रखा था। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें छोले का, देख लेते पानी, कम से कम ये 2 गिलास पानी है तो हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल लेते हैं। पहले इसको मिक्स करेंगे। अगर हमें छोले गाढ़े लगेंगे तो हम और पानी भी इसमें मिला लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़े छोले नहीं रखने हैं। सभी छोलों ने पानी को 1 गिलास पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है, तो बचा हुआ पानी भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट छोले, फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया आता है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक धनिया। सभी मसाले तो हम पहले मिला ही चुके हैं, अब बस इसमें हमने फ्रेश डाल दिया धनिया और इसको पूरे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे, जिससे कि सारा जो पानी, वैसे तो कच्चा इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन इसकी जो अपने पकने की अलग ही महक आती है, पानी छोले सब मसाले आपस में मिक्स हो जाए, इतना हमें अब इसे पकाना है 5 मिनट के लिए। एक बॉईल आ चुका है, पूरे 5 मिनट हो गए हैं, बहुत बढ़िया से हमारे छोले पक चुके हैं, पानी भी एकदम लिपटमदार बन चुका है। लिपटमदार छोले हमारे बनकर तैयार है, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको निकालते हैं बाउल में। आप देख रहे हैं छोले ना तो पतले हैं ना गाढ़े हैं, एकदम परफेक्ट भटूरे के लिए छोला बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अगर ये छोले आप राइस के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आपको एक्स्ट्रा इसमें डालना पड़ेगा, राइस के संग भी ये छोले बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखो प्याज के लच्छे कैसे दिख रहे हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्च और छोला एक एक कैसा बढ़िया कलर से दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी रंगत लाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इसमें छोंक, घी का छोंक लगाना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच हम डालना है देसी घी इसमें और इसमें डाल देंगे हम आधी चम्मच के करीब जीरा, जीरे को तड़कने देंगे और हमने बहुत कम मिर्च डाली थी इसलिए थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच और इसको जल्दी से डाल देंगे हम छोलों के ऊपर।
देखो क्या बढ़िया छोले की रंगत आई है ना, यानी बहुत परफेक्ट छोले बनकर हमारे तैयार हैं। बहुत बढ़िया से हमारा भटूरे के लिए छोला बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए भटूरे भी हम बना लेते हैं। वो मैदा में खमीर अच्छे से उठ चुका है। अब हमें क्या करना है, ऑयल को रख देते हैं गर्म होने के लिए, भटूरे तलने के लिए। और जो हमने ढो लगाया था, अब हमें एक साफ़ स्लैब पर हल्का सा हम डाल लेंगे इसमें ऑयल। स्लैब को हल चिकना कर लेंगे। और जब हमने इसको प्लेन नहीं किया था, चिकना नहीं किया था, अब हमें इसे पटक पटक के मारना है। जितना हम इसको पटकेंगे उतना ही बढ़िया इसका रोम रोम खुलेगा और बहुत बढ़िया से हमारे को मैदा का ढो चिकना कर लेना है। जितनी चिकनी मैदा होगी उतना ही बढ़िया भटूरा बनकर तैयार होगा। कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरीके से पटक पटक के इसको मारें और बहुत बढ़िया से मैदा का रोम रोम खोल लें। बहुत बढ़िया इस तरीके से बनाते हैं तो भटूरे बनकर तैयार होते हैं। एक बार इस तरीके से मैदा लगाएंगे तो ना तो आपको भटूरे खट्टे लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई दही नहीं डाला है। इसमें जो खमीर उठता है और जो भटूरे में मिठास आती है, एकदम हल्दीराम जैसे भटूरे बनकर तैयार होते हैं। आप देखिएगा, भटूरे बनने के बाद भी, फूलने के बाद भी एकदम बैठता नहीं है, एकदम करारा क्रिस्प, अंदर से खमीर उठा हुआ, बहुत बढ़िया भटूरा बनकर तैयार होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से, मैदा किस तरीके से लगा हुआ है इसका, भटूरे का ढो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ना मैं इसको कितनी तरीके से मला रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको हमें मलाना है। एकदम से बढ़िया मैदा का ढो हमारा लगकर तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में रख लेते हैं और मैदा को देखिए किस तरीके से हमें तोड़ना है। इस तरीके से हमें मैदा को पोरों के बीच में से निकालते हुए, देखिए अभी एक लोई लेंगे, इसको फैलाएंगे, फिर इस तरीके से हम इस मैदा को निकाल लेंगे जिससे कि बीच में से ये फटे ना। इसको गोल करते हुए अब हम हल्का सा इसमें लगाएंगे ऑयल और इसको हल्का सा फैलाने के बाद बेलन से ऊपर की तरफ बेलन मारेंगे, फिर नीचे की तरफ, फिर इसको हम लंबा लंबा बेल लेंगे ओवल शेप में। चारों तरफ से इसको हम पतला पतला बेल लेंगे, जितना हम पतला कर सकते हैं, बड़ा और पतला। बाद में ज़्यादा बड़ा करने के बाद बीच में जब हम ऑयल में डालते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा करके इसे बेलना है। बहुत अच्छे से हमारा भटूरा बिलकर तैयार है। अब इसको गर्म ऑयल में हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे हमें नहीं डालना है। ऊपर से डालते ही हल्की हल्की इसमें कलछी मार के हमें इसे फुला लेना है। देखिए कितना बढ़िया भटूरा बनकर तैयार है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हमने इसको एकदम से क्रिस्प कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब इतने में दूसरा भटूरा बनाऊंगी तो ये भटूरा बिल्कुल भी बैठेगा नहीं। दूसरा भटूरा भी बनकर तैयार है। अब आप देख रहे हैं कैसे फूला हुआ भटूरा है। ये भटूरा इस तरीके से ही फूला हुआ रहेगा जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें जो सूजी डाली है उससे एकदम से इसमें क्रिस्पीपन आ गया है। और छोले तो देख रहे हैं ना कितने बढ़िया है। इसके संग प्याज, हरी मिर्च और आम का अचार तो ज़रूर लें। और आवाज़ सुनिए क्या बढ़िया, एकदम क्रिस्प आवाज़ आ रही है और एकदम सॉफ्टनेस है। बहुत बढ़िया भटूरा बन गया।